हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप देख रहे हैं इस फेस को पहली बार तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज सोनू बंसल एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है रक्षाबंधन सीरीज एपिसोड 2, जो कि होने वाला है आपके फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट्स का हॉल वीडियो। और मैंने इसमें लिए हैं टोटल 7 कुर्ता सेट्स। आई होप आपको ये 7 के 7 कुर्ता सेट्स अच्छे लगेंगे। और इन केस अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है, आप उसे बाय करना चाहते हैं, तो मैंने सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो मैंने कुर्ता सेट लिया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मेरा फेवरेट वन वो है ये नेवी ब्लू कलर का कुर्ता सेट। इसमें आपको इस कुर्ते के साथ में मिलता है प्लाजो प्लस दुपट्टा। तो सबसे पहले आप कुर्ता देख लीजिए। कुर्ता जो है वो आपको इस तरीके का अनारकली कुर्ता मिलता है इसमें। एंड इस अनारकली कुर्ता पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्लोरल डिजाइन दिया गया है आपको, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंट मिलता है। एंड यहाँ पे आप नेक लाइन देख लीजिए, नेक लाइन आपको मिलती है राउंड। एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो है वो जरी एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। एंड देन यहाँ पे आपको बटन का क्लोजर मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाता है। एंड इट्स स्लीवलेस कुर्ता देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको डीप स्लीवलेस कुर्ता मिलता है। एंड इसका हेमलाइन देख लीजिए, हेमलाइन जो है वो आपको मिलता है फ्लेयर्ड हेमलाइन, बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेयर दिया गया है देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा नीचे जो है वो आपको कलियों वाला पैटर्न मिलता है। और बैक से कुर्ता देख लीजिए, बैक में भी आपको सेम प्रिंट का जो है वो सेम पैटर्न दिया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा कुर्ता है। एंड इस कुर्ते के फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक आपको मिलता है मसलिन का फैब्रिक, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा फैब्रिक है समर्स के अकॉर्डिंग, प्लस कंफर्टेबल टू वियर, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की सा फैब्रिक है, तो बहुत ज्यादा अच्छा फैब्रिक है। और प्लस आप इस कुर्ता में देख सकते हैं, आप नीचे से देखिए, आपको अंदर जो है वो कोई भी इनर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आपको इस फैब्रिक में जो है वो ये सिल्वर सिल्वर लाइनिंग वाला पैटर्न भी मिलता है, जो कि इस कुर्ता सेट को बनाता है फेस्टिव एप्रोप्रिएट, जो कि पहनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। इस कुर्ते के साथ में आपको मिलता है ये प्लाजो, प्लाजो देख सकते हैं, आपको प्लेन नेवी ब्लू कलर का प्लाजो मिलता है। इसमें आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट बेल्ट दिया गया है एंड पॉकेट्स आपको नहीं मिलती हैं। और इसका जो लेंथ एंड फिट है प्लाजो का वो कुछ इस तरीके का है, लूज फिट प्लाजो है, प्लस लेंथ आपको मिलता है एंकल लेंथ। और नीचे से इसका हेमलाइन आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, आपको इसमें कलियों वाला ही प्लाजो मिलता है। प्लाजो का जो फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा फ्लेयर दिया गया है, प्लस इस प्लाजो का जो फैब्रिक है वो आपको मिलता है पॉली सिल्क का फैब्रिक, फैब्रिक इज गुड कंफर्टेबल, अच्छा फैब्रिक है। इस प्लाजो के साथ में आपको मिलता है ये दुपट्टा, दुपट्टा देख सकते हैं, दुपट्टे का फैब्रिक भी जो आपको मिलता है वो मिलता है पॉली सिल्क का फैब्रिक। दुपट्टा आपको पूरा जो है वो 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलता है एंड फुल लेंथ दुपट्टा मिलता है, काफ़ी अच्छी लंबाई चौड़ाई दुपट्टे की मिल जाती है। एंड दुपट्टे पे आपको दोनों जो साइड्स हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके का गोल्डन लाइन मिल जाता है दुपट्टे में। एंड यहाँ पे साइड में आपको टैसल्स दिए गए हैं, तो दुपट्टा काफ़ी अच्छा है और प्लाजो भी काफ़ी अच्छा है, कुर्ता भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये कुर्ता सेट अच्छा है। और सिर्फ एक ड्रॉबैक है इस कुर्ता सेट में, वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जो ये नीचे सिल्वर लाइनिंग दी गई है ना आपको, तो क्योंकि इसमें इनर नहीं दिया गया है, तो एक तो ये मसलिन का फैब्रिक होने के कारण हमारी बॉडी को थोड़ा सा चिपकता है, प्लस ये सिल्वर लाइनिंग जो है ना ये आपकी बॉडी को थोड़ा सा इची करती है। तो अगर आपको इसको लेना है तो आपको इसके नीचे जो है वो इनर वेयर करना पड़ेगा, और इनर इसके साथ आपको नहीं दिया गया है तो आपको अलग से स्टिच करवाना पड़ेगा। ओवरऑल ये जो कुर्ता सेट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पहनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है, तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। बट सिर्फ एक ड्रॉबैक है, आपको इसमें इनर नहीं दिया गया है, तो या तो आप अलग से स्टिच करवा लीजिएगा। और बात करें इसके प्राइस साइज एंड ब्रांड की, ब्रांड मैंने लिया है जनस्या और साइज मैंने लिया है यहाँ पे स्मॉल, एंड MRP यहाँ पे मेंशन है 4598। और इस ये मुझे मिला है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग प्लस पैटर्न वाइज इट्स ए वेरी गुड कुर्ता सेट, फेस्टिव एप्रोप्रिएट कुर्ता सेट है, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। जो नेगेटिव पार्ट था वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लेमन कलर का कुर्ता सेट। एज यू गाइज ऑलरेडी नो, येल्लो इज माई फेवरेट, तो येल्लो तो मैं रखती हूँ अपने हर हॉल में, चाहे वो टॉप हॉल हो चाहे वो कुर्ता सेट हॉल हो। तो देख लीजिए, इसमें आपको मिलता है ये प्लाजो प्लस ये जैकेट, एंड ये आपको मिलता है कुर्ता।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कुर्ते को। तो कुर्ता जो है वो आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, ऑफ वाइट कुर्ता देख सकते हैं। कुर्ते पे आपको यहाँ पे राउंड नेक मिल जाता है, स्लीवलेस कुर्ता है, एंड यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सा जो है वो जरी प्लस सीक्वेंस का वर्क दिया गया है। देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा वर्क दिया गया है, एंड यहाँ पे भी जो है वो आपको पर्ल प्लस सीक्वेंस का वर्क दिया गया है। बहुत ज्यादा अच्छा वर्क है, एंड बाकी ओवरऑल आपको ये स्ट्रेट काफ लेंथ कुर्ता दिया गया है जो कि आपको नी लेंथ आएगा। एंड इस कुर्ते के फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक इज वेरी गुड, इसमें आपको मिलता है सिल्क का फैब्रिक। एंड इस कुर्ते के साथ में आपको मिलती है ये जैकेट, जैकेट देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जैकेट दी गई है। इसका फैब्रिक जो है वो ये, इसका फैब्रिक आपको मिलता है जो होती है ना वो क्या कहते हैं ब्रॉकेट, इसमें आपको मिलता है ब्रॉकेट का फैब्रिक देख सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा सा नीचे अंदर कॉटन का फैब्रिक भी दिया गया है जो कि बहुत अच्छा पार्ट है, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो ये भी हमारी बॉडी को जो है वो थोड़ा सा खाता ये वाला फैब्रिक, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जैकेट का पैटर्न देख लीजिए, जैकेट का पैटर्न में आपको यहाँ पे फ्रंट में मिल जाता है चाइनीज कॉलर, एंड देन आपको ब्रॉकेट का डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है गोल्डन कलर का, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है। काफ़ी अच्छा जैकेट है, नी लेंथ आपको जो है वो जैकेट मिल जाता है, पहनने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है। बैक से भी आप इस जैकेट का डिज़ाइन देख लीजिए, फैब्रिक पे आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है, एंड साइड से आपको जो है वो जैकेट के आपको यहाँ पे स्लिप दिया गया है। पहनने के बाद में आपको ज़्यादा अच्छा विजिबल हो रहा होगा कि ये कैसा लुक देगी जैकेट। और जैकेट का फैब्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये है ब्रॉकेट वाला फैब्रिक, और स्लीवलेस स्लीव्स आपको मिलती हैं जैकेट की 3/4 स्लीव्स, और स्लीव्स में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का जिगजैग वाला डिज़ाइन दिया गया है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी जैकेट है, और इस जैकेट एंड कुर्ता के साथ में आपको मिलता है ये प्लाजो पैंट, ये देख सकते हैं आप। इसका जो वेस्ट बैंड है वो आपको मिलता है सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड, और पॉकेट्स आपको नहीं मिलती हैं। इसका लेंथ आपको मिलता है एंकल लेंथ, एंड इसका जो फिट है, फिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लूज फिट प्लाजो मिलता है आपको इसमें, एंड नीचे आपको हेमलाइन इसका इस तरीके का मिलता है। इसका फैब्रिक आपको मिलता है सिल्क का फैब्रिक, अगैन बहुत ही कम्फर्टेबल फैब्रिक है, बहुत अच्छा फिट है इस प्लाजो का, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कुर्ता सेट में। पहनने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मार्ट लुक देता है, और काफ़ी अच्छा जो है वो इंडो वेस्टर्न लुक है। आप इसे दो तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस कुर्ता को इस प्लाजो के साथ अकेले भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इसके साथ भी पहन सकते हैं। तो ये कुर्ता सेट जो है आपको एट द सेम टाइम दो लुक देगा, तो काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है। इसका ब्रांड मैंने लिया है ऑरेलिया, इसका साइज मैंने लिया है स्मॉल, एंड इसका प्राइस जो है वो यहाँ पे मेंशन है 4299, और एग्जैक्ट प्राइस जितने में मुझे मिला है वो मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो कुर्ता सेट है, फेस्टिव अप्रोप्रिएट कुर्ता सेट है, फेस्टिव के पर्पज से बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, वेस्टर्न के साथ साथ में आपको इंडियन लुक भी देता है, और प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा मैं आपको अफोर्डेबल तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि ऑरेलिया ब्रांड का है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा ही। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस मरून कलर का अनारकली कुर्ता। इस कुर्ते के साथ जो है वो आपको कोई भी प्लाजो या दुपट्टा नहीं मिलता है, इस कुर्ते के साथ में आपको अंदर इनर जरूर दिया गया है। तो सबसे पहले आप इनर देख लीजिए, इनर जो है वो काफ़ी अच्छे फैब्रिक का दिया गया है, शाइनी फैब्रिक का इनर मिलता है आपको, एंड फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, पहनने में कम्फर्टेबल है। और इनर देख लीजिए, इनर का पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे राउंड नेक मिल जाता है, स्लीवलेस इनर है, प्लस ये फ्लेयर्ड वाला इनर दिया गया आपको, स्ट्रेट इनर होता है ना से इस कुर्ता का लुक नहीं आएगा, तो इन्होंने आपको काफी अच्छा जो है वो फ्लेयर्ड इनर दिया है जो कि काफी अच्छा है। एंड इसके साथ आपको मिलता है ये दुपट्टा, ये अनारकली कुर्ता देख लीजिए आप। अनारकली कुर्ते में आपको यहाँ पे मिलती है चाइनीज कॉलर, प्लस यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो ये देख सकते हैं गोल्डन बटन्स की जो है वो डिटेलिंग मिल जाती है, और ये बटन्स जो हैं वो सिर्फ ऊपर वाले दो बटन जो हैं वो ओपन हो सकते हैं, क्योंकि आपको चाइनीज कॉलर दिया गया है तो आप इसे पहन नहीं पाएंगे। तो ये इन्होंने सिर्फ दो बटन जो है वो ओपन होने के लिए रखे हैं ताकि आप इसको ईजिली वेयर कर सकें। तो दो बटन्स के अलावा बाकी जो नीचे के बटन्स हैं वो सिर्फ आपको शो के लिए दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एंड नीचे आपको हल्का सा यहाँ पे स्लिप मिल जाता है। एंड क्योंकि ये अनारकली कुर्ता
है, तो आपको मिलता है ये फ्लेयर्ड हैम, काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर दिया गया है। एंड नीचे से आप इसका कलियों वाला पैटर्न देख लीजिए अनारकली कुर्ता का, कि आपको ये वाली कली कुछ इस तरीके दी गई है एंड ये वाली कली जो है वो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन की दी गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक की जो है वो आपको यहाँ पे कली दी गई है। यही आपको मिलती है पोल्का डॉट का डिज़ाइन एंड यहाँ पे आपको फ्लोरल डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है इस कुर्ता को। और इसके स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4 स्लीव्स, कुछ इस तरीके की आपको रेगुलर 3/4 स्लीव्स मिलती हैं। और बैक से भी जो है वो आपको ये कुर्ता का प्रिंट आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। तो ओवरऑल आपको ये जो मिलता है एंकल लेंथ अनारकली कुर्ता मिलता है। तो देख सकते हैं रेड एंड गोल्डन कलर का जो है वो कॉम्बो है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बो है, फेस्टिव अप्रोप्रिएट कॉम्बो है, तो काफ़ी अच्छा लुक भी देता है आपको पहनने के बाद में। बात कर लेते हैं इसके प्राइस, साइज एंड ब्रांड की। ब्रांड मैंने यहाँ पे लिया है जूनिपर और साइज मैंने लिया है स्मॉल। प्राइस यहाँ पे मेंशन है 3549, एग्जैक्ट प्राइस मैंने आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो गाइज काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है, पहनने के बाद में भी बहुत अच्छा लुक देता है, आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस ग्रे कलर का आउटफिट, इसमें आपको मिलता है ये क्रॉप टॉप प्लस स्कर्ट एंड यहाँ पे आपको मिलती है जैकेट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्रॉप टॉप, क्रॉप टॉप जो है वो आपको मिलता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलता है और सीक्वेंस वाला सिल्वर वर्क मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको जरी के वर्क का यहाँ पे हल्का सा फ्लोरल प्रिंट दिया गया है। और बाकी जो है वो सिंपल ग्रे कलर का आपको क्रॉप टॉप मिलता है, स्लीवलेस क्रॉप टॉप है एंड इसका फैब्रिक जो है वो आपको मिलता है रेयन का फैब्रिक एंड साइड में आपको यहाँ पे कंसील्ड जिपर दिया गया है सो दैट आप इसको इजीली वेयर कर पाएं एंड इट्स ए क्रॉप टॉप। इस क्रॉप टॉप के साथ में आपको मिलता है ये स्कर्ट, स्कर्ट देख लीजिए काफ़ी अच्छा खासा स्कर्ट दिया गया है आपको। पहले तो आप स्कर्ट का फ्लेयर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है वो आपको फ्लेयर मिल जाता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको पूरी स्कर्ट पे सिल्वर कलर का फॉयल प्रिंट दिया गया है, देख सकते हैं फ्लोरल प्रिंट मिलता है आपको एंड नीचे स्कर्ट के हेम पे है जो है वो आपको इस तरीके का पिंक एंड सिल्वर कलर का बॉर्डर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बॉर्डर दिया गया है एंड इसका जो वेस्ट बैंड है वो आपको मिलता है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड। तो काफ़ी अच्छी फ्लेयर स्कर्ट है प्लस इस स्कर्ट का जो फैब्रिक है वो आपको मिलता है अगेन रेयन का फैब्रिक, बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है, स्मूथ फैब्रिक है और ये वर्क भी जो है वो काफ़ी सिल्वर सा वर्क अच्छा लग रहा है। और इसका जो लेंथ है वो आपको मिलता है फ्लोर टच लेंथ एंड स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप के साथ मिलती है आपको ये ब्यूटिफुल सी नी लेंथ जैकेट। जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है जो कि इस आउटफिट को बनाती है और भी ज़्यादा अच्छा, देख सकते हैं आप इसमें आपको पहले तो 3/4 स्लीव्स दी गई हैं, स्लीव्स पे आपको इस तरीके का सिल्वर कलर का फॉयल प्रिंट दिया गया है एंड यहाँ पे स्लीव्स के स्टार्टिंग पार्ट पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है आपको एंड यहाँ पे आपको जैकेट का जो कॉलर है वो मिल जाता है चाइनीज़ कॉलर पे आपको यहाँ पे सीक्वेंस का डिज़ाइन दिया गया है। देन यहाँ पे आपको एक बटन का क्लोजर दिया गया है, आप चाहें तो इस जैकेट को एक बटन लगा के और ये खुला छोड़ सकते हैं जैकेट को और पूरी जैकेट पे जो है वो आपको इस तरीके का सिल्वर फॉयल का प्रिंट मिल जाता है, देख सकते हैं सेम जो आपको स्कर्ट पर प्रिंट है उसे वैसा ही आपको इस पर सिल्वर फॉयल कलर का प्रिंट दिया गया है। नीचे से आपको इसके हेम पे कुछ इस तरीके का वर्क मिल जाता है और जैकेट के बैक में भी आपको वर्क दिया गया है, देख सकते हैं बहुत प्यारा वर्क है एंड जैकेट में आपको यहाँ पे साइड स्लिट भी दिया गया है। जैकेट जो है वो इस आउटफिट को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती है। जैकेट का फैब्रिक आपको मिलता है जॉर्जेट का फैब्रिक, देख सकते हैं सी थ्रू फैब्रिक है बट जैकेट के नीचे क्रॉप टॉप है तो सी थ्रू का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता और जैकेट का जो ये वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ये सिल्वर कलर की लाइनिंग लगी हुई मिल जाती है। तो ओवरऑल जो है ये काफ़ी अच्छा आउटफिट है, बहुत अगेन आपको इंडो वेस्टर्न लुक देता है ये, आप चाहें तो स्कर्ट और क्रॉप टॉप को भी वेयर कर सकते हैं और अलग से डिफरेंट सा दुपट्टा ले लीजिए तो ये आपका लहंगा भी लुक बन जाएगा प्लस क्रॉप टॉप और स्कर्ट का लुक भी दे देगा। और थर्ड लुक जो है वो आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं कि आप क्रॉप टॉप और स्कर्ट के ऊपर ये जैकेट पहन लें तो एक ड्रेस में आपको तीन लुक मिल जाएंगे, तो कितना अच्छा ऑप्शन है ना। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस, साइज एंड ब्रांड की। तो ब्रांड मैंने लिया है ऑरेलिया, साइज मैंने लिया है स्मॉल, प्राइस इसका यहाँ पे कोई भी टैग नहीं लगा हुआ है तो मैं आपको क्या करूँगी इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो मेरे ख्याल से तो हाँ प्राइस है यहाँ पे
प्राइस यहाँ पे मेंशन है 3999 आफ्टर डिस्काउंट, ये मुझे मिला है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो गाइज देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी रीजनेबल आउटफिट है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है। एक आउटफिट से आपको 3 लुक क्रिएट करने को मिलेंगे, तो आई थिंक दिस वन इज़ ए मस्ट हैव आउटफिट। मेरी तरफ से 2 थम्स अप, आप डेफिनेटली इस आउटफिट को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया है दिस ब्लैक कलर का आउटफिट। आई नो हम जनरली अवॉइड करते हैं ब्लैक कलर को फेस्टिव पे पहनना, बट एक ब्लैक कलर तो मुझे दिखाना बनता है कि ब्लैक कलर का आउटफिट हो। वैसे मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं आज तीसरा हॉल कर रही हूँ, तीसरी शॉपिंग वेबसाइट का, बट किसी पे भी मुझे ना ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा अच्छा आउटफिट नहीं मिला जिसे मैं कह सकूँ कि वाह क्या आउटफिट है। तो ये वाला आउटफिट जो है वो मुझे अच्छा लगा बट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देख सकते हैं आप, आपको इसमें कुर्ते के साथ मिलता है प्लाजो प्लस ये दुपट्टा। तो सबसे पहले आप कुर्ता देख लीजिए, कुर्ता जो है वो आपको मिलता है कुछ इस तरीके का कुर्ता। इसमें आपको यहाँ पे मिलता है पूरा है सिल्वर जरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क, कुछ इस तरीके का हैवी एम्ब्रॉयडरी दी गई है आपको। राउंड नेक मिलता है, स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स पे भी आपको यहाँ पे जरी का एम्ब्रॉयडरी दी गई है। और पूरे कुर्ते का जो है वो आपको कुछ इस तरीके का राजस्थानी सा प्रिंट मिल जाता है पूरे कुर्ते पे। नॉर्मल स्ट्रेट फिट काफ लेंथ कुर्ता है, नीचे से आपको इसका हेमलाइन मिलता है कुछ इस तरीके का। हेम पे आपको यहाँ पे लेस की जो है वो इस तरीके की डिजाइनिंग दी गई है। बाकी बैक से आप देख सकते हैं, बैक में आपको सेम राजस्थानी प्रिंट वाला डिज़ाइन मिल जाता है। बाकी इसका फैब्रिक की अगर हम बात करें तो मिलता है रेयॉन का फैब्रिक, जो कि काफ़ी अच्छा फैब्रिक है समर्स के अकॉर्डिंग। और इस कुर्ते के साथ में आपको मिलता है ये प्लाजो देख लीजिए। प्लाजो में आपको मिलता है इलास्टिकेटेड वेस्ट बेल्ट और पॉकेट्स आपको नहीं दी गई हैं। और इसका जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, आपको मिलता है एंकल लेंथ प्लाजो। एंड प्लाजो के हेम पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन दिया गया है। जो ये कुर्ते का प्रिंट था उसी प्रिंट का आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है, प्लस सिल्वर लेस की डिटेलिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसका फैब्रिक आपको मिलता है विस्कोस रेयॉन का फैब्रिक, अगेन कंफर्टेबल टू वेयर। इसका फिट जो है वो आपको मिलता है लूज फिट प्लाजो है और सिंपल ब्लैक कलर का प्लाजो है देख सकते हैं। और इसके साथ आपको मिलता है ये दुपट्टा जो है वो आपको मिलता है प्लेन शिफॉन का दुपट्टा। दुपट्टे पे बस आपको जो चारों तरफ है वो दिया गया है ये सेम कुर्ते के फैब्रिक का बॉर्डर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है। एंड फुल 2.5 मीटर का दुपट्टा मिलता है, फुल लंबा चौड़ा दुपट्टा मिलता है, पूरा जो 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है वो मिलता है। बस आपको जो दुपट्टा मिलता है वो मिलता है सिंपल शिफॉन का दुपट्टा। तो पहना हुआ आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा आउटफिट है ये भी फेस्टिव वेयर के अकॉर्डिंग। एंड इसका ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि साइज मैंने लिया है मीडियम। एंड इसका प्राइस आई थिंक था 550-600 रुपये में मिला था, तो 550-600 रुपये में ये में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोई ब्लैक सूट ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन दिस येल्लो कलर का कुर्ता सेट। इसमें आप कुर्ता देख लीजिए, कुर्ता आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, आपको अनारकली कुर्ता दिया गया है अगेन। और यहाँ पे आपको नेकलाइन मिल जाता है आपका कुछ इस तरीके का। एंड नेक पे आपको यहाँ पे गोटा पत्ती का डिज़ाइन दिया गया है कुछ इस तरीके की, जो है वो आपको डिज़ाइन मिल जाती है। बाकी स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4 रेगुलर स्लीव्स। एंड नीचे से इसका जो पैटर्न है कुर्ते का वो मिलता है आपको फ्लेयर्ड हैम, कलियों वाला पैटर्न मिलता है और फ्लेयर्ड हैम है, अच्छा खासा फ्लेयर है। और बैक से आपको मिलता है बिल्कुल प्लेन कुर्ता। इसका फैब्रिक आपको मिलता है सिल्क का फैब्रिक, जो कि काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं शाइनी वाला फैब्रिक है जो कि फेस्टिव अप्रोप्रिएट फैब्रिक है। और इसमें भी नीचे आपको कोई भी इनर नहीं दिया गया है, लेकिन ये वाला फैब्रिक जो है ना ये आपकी बॉडी को पहनने में कम्फर्टेबल है, बिल्कुल भी इचिंग नहीं करता है। और इस कुर्ता के साथ में आपको मिलता है ये प्लाजो देख लीजिए। प्लाजो आपको मिलता है सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड के साथ, पॉकेट्स आपको नहीं दी गई हैं। इसका लेंथ देख लीजिए, लेंथ आपको मिलता है एंकल लेंथ और फिट भी काफ़ी अच्छा है। एंड नीचे आपको हेमलाइन पे जो है वो इस तरीके की एक गोल्डन सी बॉर्डर दिया गया है। और इसका फैब्रिक भी आपको मिलता है सिल्क का फैब्रिक, फैब्रिक इज़ गुड। एंड प्लाजो के नीचे भी आपको कोई भी इनर नहीं दिया गया है। ये हो गया, बात कर लेते हैं इसके प्राइस साइज एंड ब्रांड की।
ब्रांड मैंने लिया है यहाँ पे भामा कॉचर, और साइज मैंने लिया है स्मॉल। प्राइस यहाँ पे मेंशन है 3599 आफ्टर डिस्काउंट, ये मुझे मिला है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है आपको। तो गाइज प्राइस के अकॉर्डिंग प्लस पैटर्न वाइज काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है। अगर आपको सिर्फ अकेला कुर्ता सेट पहनना पसंद नहीं है, आप दुपट्टा के साथ भी इसे कैरी कर सकते हैं। कोई भी अच्छा सा आप इसके साथ के साथ गोल्डन कलर का जो दुपट्टा है वो कैरी कर लीजिएगा, प्लस अच्छी सी ज्वेलरी एक्सेसराइज कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा आपको फेस्टिव लुक देगा। तो फ्रॉम माई साइड थम्स अप फॉर दिस। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट वन। लास्ट मैंने लिया है दिस रेड कलर का कुर्ता सेट, ये मुझे मिला है इस कुर्ते के साथ में प्लाजो। बट मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये वाला कुर्ता सेट ऑर्डर नहीं किया था, और ये मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है अमेजोन से। मैंने ऑर्डर किया था एक डिफरेंट आउटफिट, वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी पिक्चर की मैंने कौन सा आउटफिट ऑर्डर किया था। तो मैंने वो वाला ऑर्डर किया था, लेकिन अमेजोन ने मुझे भेजा है ये वाला कुर्ता सेट। ये जो कुर्ता सेट है ये फेस्टिव अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है, ये डेली वेयर कुर्ता सेट है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको ये कुर्ता जो है वो कुछ इस तरीके का कुर्ता मिलता है, नॉर्मल कुर्ता है। इसमें आपको ये चाइनीज कॉलर मिल जाती है, एंड गोल्डन कलर का पूरे कुर्ते पे फॉइल प्रिंट दिया गया है। स्ट्रेट फिट काफ लेंथ कुर्ता है, देख सकते हैं। एंड यहाँ पे साइड में आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है, एंड पूरे कुर्ते पे गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट दिया गया है। नेक लाइन पे आपको यहाँ पे इस तरीके का गोल्डन फॉइल प्रिंट मिल जाता है। स्लीव्स आपको मिलती हैं 3/4, और स्लीव्स पे भी आपको सेम यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है जो आपको नेक लाइन एंड यहाँ पे साइड्स पे दिया गया था, और साइड्स पे दिया गया था। एंड इस कुर्ते का फैब्रिक आपको मिलता है रेयन का फैब्रिक, बैक से देख लीजिए, बैक में भी आपको पूरे कुर्ते पे सेम गोल्डन कलर का फॉइल प्रिंट मिलता है। एंड इसके साथ आपको ये प्लाजो दिया गया है, प्लाजो जो है वो आपको मिलता है इलास्टिकेटेड प्लाजो, दोनों तरफ आपको इलास्टिक मिलती है। एंड प्लाजो पे आपको इस तरीके का गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया गया है। नीचे से इसका हेमलाइन जो है वो सिंपल है। इसका फैब्रिक भी आपको मिलता है विस्कोस रेयन का फैब्रिक। तो गाइज ये डेली वेयर के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट है, बट फेस्टिव अप्रोप्रिएट नहीं है। जो मैंने आउटफिट सेलेक्ट किया था वो आप फेस्टिव पे भी पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। और इसका तो मुझे प्राइस भी नहीं पता, साइज मुझे उन्होंने सेंड किया है मीडियम, ब्रांड यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको डेली वेयर के अकॉर्डिंग अगर ये कुर्ता सेट अच्छा लगता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड दिस। सो गाइज दैट्स इट, ये था मेरी तरफ से अमेजोन के कुर्ता सेट्स का रिव्यू। आई होप आप लोगों को कलेक्शन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अंडे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।